हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं नियो वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी गुड न्यूज है और आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, डाक विभाग में आ चुकी है नई वैकेंसी। फाइनली नया ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसकी कंप्लीट जानकारी आज के इस वीडियो में हम आप सभी कैंडिडेट्स को देने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप केवल 10वीं क्लास पास है, 12वीं पास है, ग्रेजुएट पास है, तो आप सभी कैंडिडेट्स के लिए आ चुकी है डाक विभाग में नई वैकेंसी। वहीं दोस्तों, यहां पर जो टोटल पोस्ट जारी की गई है 14,000 प्लस लगभग यहां पर वैकेंसी जारी कर दी गई है। तो इस साल 2022 की एक और नई भर्ती है जो कि डाक विभाग की तरफ से है, जिसकी कंप्लीट जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको सारी जानकारी देंगे, जैसा कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कौन कौन से कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं और यहां पर आवेदन कब से कब तक चलेंगे और अप्लाई करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट ना हो। काफी सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो अप्लाई करते समय गलतियां करते हैं और उनका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों, आपको वो छोटी से छोटी गलती नहीं करनी है, वरना आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों, यहां पर आपको किस प्रकार तैयारी करनी है, आपका यहां पर एग्जाम होगा या नहीं होगा, कौन कौन से कैंडिडेट जो है यहां पर एलिजिबल है, सारी जानकारी आपको मिलेगी। आपके सारे सवालों के जवाब भी आपको मिलेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और इसी प्रकार आप सभी के लिए नई वैकेंसियों की अपडेट सबसे पहले लेकर आते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी हो, वो भी तैयारी करें, वो भी सिलेक्शन पा सके। और दोस्तों, रोजाना इसी प्रकार सरकारी नौकरी की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के नीचे लाल बटन को दबाएं, साथ ही साथ घंटी का बेल आइकन जरूर दबाइएगा और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डाक विभाग भर्ती 2022 के बारे में, जिसका न्यू रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। दोस्तों, यहां पर जो वैकेंसियां रिलीज की गई है वो आप देख सकते हैं, एमटीएस की पोस्ट है, पोस्टमैन की पोस्ट है, मेलगार्ड की पोस्ट है, असिस्टेंट की पोस्ट है। सो फ्रेंड्स, यहां पर जो एमटीएस की पोस्ट है, इसके लिए 10वीं पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आपको लगभग 56,000 रुपए पर मंथ मिलेगी। वहीं दोस्तों, पोस्टमैन की जो पोस्ट है उसके लिए केवल 12th पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, 52,000 रुपए पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। वहीं दोस्तों, मेलगार्ड की जो पोस्ट है उसके लिए भी केवल 10वीं पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, 47,000 रुपए पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। वहीं दोस्तों, असिस्टेंट की पोस्ट के लिए 12th और ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, 65,000 रुपए पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। तो दोस्तों, यहां पर सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी है और सैलरी काफी शानदार आपको यहां पर देखने को मिल रही है। और दोस्तों, एज लिमिट जो है कम से कम 18 साल है, मैक्सिमम जो है 40 साल है और यहां पर आपकी कोई भी एग्जाम नहीं होगी, डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होगा। तो चलिए, बाकी सभी जानकारी के लिए सीधा आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलते हैं। दोस्तों, हमारी जो नंबर 1 वेबसाइट है वो है tipsworldbus.xyz, यहां पर आप जाकर के वैकेंसियों की कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं। वहीं सेकंड नंबर की जो वेबसाइट है वो है neovoltech.co.in, यहां पर भी आपको रोजाना नई वैकेंसी की अपडेट दी जाती है, जानकारी लें और अप्लाई करें। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं सीधा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की तरफ से आई लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हां दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की तरफ से नई वैकेंसी है, बंपर वैकेंसी है। यहां पर पोस्ट की बात करते हैं तो एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट है, पोस्टमैन की पोस्ट है, मेल गार्ड की पोस्ट है और असिस्टेंट की पोस्ट है। कुल मिला के 14,500 वैकेंसी यहां पर रिलीज की गई है। अप्लाई केवल आपको ऑनलाइन करना होगा और सिलेक्शन प्रोसेस में केवल आपका मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा, यानी कि यहां पर भी आपकी कोई भी एग्जाम नहीं होगी, केवल आपका मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा। मेरिट का मतलब कि अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो आपको सबसे पहले जॉब मिल सकती है, यानी कि अगर आप 10वीं क्लास पास हैं, अगर आप 10वीं के आधार पर अप्लाई कर रहे हैं, आपके अच्छे मार्क्स हैं, तो आपको यहां पर जॉब सबसे पहले मिल सकती है। यहां पर जो है मेरिट निकाली जाती है और उसमें जिसके अच्छे मार्क्स होते हैं उसको सबसे पहले जॉब मिलती है। अब इसका यह मतलब नहीं है कि जिसके कम मार्क्स हैं तो उसको जॉब नहीं मिलेगी। दोस्तों, यहां पर कम मार्क्स वाले को भी जॉब मिल सकती है, बस शर्त यह है कि आपको अप्लाई करना है और यहां पर जो है कट ऑफ कम होगी तो आपको यहां पर सिलेक्शन होने का चांसेस मिल जाएगा, ठीक है। वहीं सैलरी आपको मिलेगी 18,000 से 81,000 रुपए पर मंथ। तो दोस्तों, 18,000 से 81,000 रुपए पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। और वहीं फ्रेंड्स, इस वैकेंसी के लिए जो एज लिमिट का क्राइटेरिया है वो आप देख सकते हैं, कम से कम 18 साल है, मैक्सिमम जो है 40 साल है। तो अगर आपकी एज है 18 से 40 साल तो अप्लाई जरूर कीजिएगा। इसके अलावा ICU में छूट भी है रिजर्व कैंडिडेट्स को, यानी कि SC ST को 5 साल की छूट है, OBC को 3 साल की छूट है, PW के कैंडिडेट्स को जो है कैटेगरी वाइज अलग अलग छूट दी गई है, यानी कि सभी कैंडिडेट्स के लिए बेनिफिट है यहां पर ICU में छूट का। और वहीं दोस्तों, अप्लाई करने का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट्स हैं जिनका GDS का जो अप्लाई करते समय फॉर्म जो है रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर काफी सारे कैंडिडेट्स ने बहुत बड़ी गलतियां की है और
छोटी गलतियों पर भी यहाँ पर फोरम रिजेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो आपको वो गलती नहीं करनी है वरना आपका फोरम भी यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अप्लाई करने से पहले आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपके 10वीं के, 12वीं के, ग्रेजुएट के, कास्ट सर्टिफिकेट, आपकी आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसमें आपको अप्लाई करने के समय आपको साथ में रखने हैं। जो भी स्पेलिंग है वो आपको एज इट इज डालनी है, आपको गलती नहीं करनी है, अदरवाइज आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा या फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जो है बाहर निकाल दिया जाएगा। क्योंकि ऑनलाइन अप्लाई करते समय आपने कुछ डिटेल अलग डाली है और डॉक्यूमेंट्स में आपकी कुछ अलग डिटेल्स हैं, तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता है। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा, काफी सारे कैंडिडेट जो है गलतियां करते हैं, उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, फिर बाद में उनका चांस नहीं हो पाता है नौकरी पाने का, तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। और दूसरी गलती है कि अगर आप 10वीं पास है, 12वीं पास है, ग्रेजुएट पास है, अगर आप सोच रहे हैं कि मेरिट के आधार पर यहां पर सिलेक्शन होगा, आपके कम मार्क्स हैं, आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो दोस्तों ये आपकी गलत फहमी है, अप्लाई जरूर कीजिएगा। काफी सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका कम मार्क्स होने पर भी सिलेक्शन होता है, क्योंकि कई सिटी में जो है मेरिट कम जाती है जिस वजह से उनका सिलेक्शन हो जाता है, तो आप जो है अप्लाई जरूर कीजिएगा, आपका भी सिलेक्शन हो सकता है 100%, तो अप्लाई जरूर कीजिएगा। वहीं दोस्तों इस वैकेंसी के लिए जो एप्लीकेशन फीस रहेगी जनरल ओबीसी के लिए केवल 100 रुपए रहेगी और एससी एसटी के लिए बिल्कुल फ्री है, पेमेंट केवल आपको ऑनलाइन करना होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएट पास सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए। और दोस्तों आपको बता दें इसके आवेदन कब से कब तक चलेंगे, तो आवेदन जो है जुलाई से लेकर के अगस्त तक चलेंगे, ठीक है, तो जुलाई से इसके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहे हैं, अगस्त तक इसके आवेदन चलेंगे। ये रहा लिंक अप्लाई करने का नोटिफिकेशन के साथ में, तो दोस्तों जल्द ही इसका फुल डिटेल्स में नोटिफिकेशन आएगा, जल्द ही इसके आवेदन शुरू होंगे, लिंक एक्टिवेट होने वाला है, आप अपनी तैयारियों में लग जाएं। ये आप सभी के लिए एक एडवांस में अपडेट है ताकि आप अपनी तैयारियों में लग जाएं, क्योंकि पोस्ट ऑफिस की तरफ से एमटीएस पोस्टमैन, मेल गार्ड और असिस्टेंट की पोस्ट में नोटिफिकेशन जल्द ही जारी हो रहा है और यहां पर शॉर्ट अपडेट आ चुकी है जिसके माध्यम से हम आपको अपडेट दे रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर तैयारियां शुरू कर दें अगर आप चाहते हैं इस साल 2022 में पोस्ट ऑफिस में सिलेक्शन पाना, तो अभी से अपनी तैयारियों में लग जाए, ठीक है। तो दोस्तों इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कोई भी सवाल है, अगर आप चाहते हैं कि सेपरेट आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक पे इस वैकेंसी के बारे में क्लियर करें नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और आप किस सिटी से इस वीडियो को देख रहे हैं, सिटी का नाम और आपका नाम जरूर टाइप कीजिएगा ताकि आपके सिटी के आसपास की वैकेंसी की अपडेट आपको सबसे पहले दी जा सके। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।